परीक्षा हो जाए तो रिजल्ट में धांधली के आरोप लगते हैं। छात्रों के पास प्रदर्शन आंदोलन का ही रास्ता छोड़ा जाता है। वहीं छात्रों ने बिहार और उत्तर प्रदेश में अपनी नौकरी के सपने के साथ खिलवाड़ रोकने के लिए प्रदर्शन किया। उग्र होकर ट्रेन की खाली बोगियों में आग लगा दी। 3 दिन से यह आंदोलन छात्रों का देश के 2 राज्यों में चल रहा है। विवाद रेलवे की भर्ती का है। मुद्दा 1,40,00,000 बेरोजगार छात्रों का है। आप रेलवे के भविष्य हैं, आप अपनी संपत्ति को संभाल के रखें। ये कुछ नहीं, सिर्फ ये मतलब कि गड़बड़ झाला करने का एक सिस्टम है। छात्र हमारे साथी हैं, हमारे भाई हैं, हमारे ही बहनें जो एग्जाम दे रहे हैं। लड़का का उम्र खत्म हो रहा है, मरते जा रहा है और भविष्य के लिए हम लोग प्रोटेस्ट किया। आप किस आधार पे बी ग्रुप का बहाली करने जा रहे हो और सेकेंड CB2 का एग्जाम लेने जा रहे हो? क्या IPS की बहाली कर रहे हैं? मारिए। लगातार 3rd दिन छात्रों के प्रदर्शन के बाद जाकर, एक नहीं 2 राज्यों में छात्रों के गुस्से के बाद जाकर, छात्रों को कानून तोड़ने के लिए मजबूर करने के बाद जाकर, रेल मंत्रालय ने वो कदम उठाया जो पहले उठाना था। रेल मंत्री ने सामने आकर वो अपील की जो कदम उठाकर कार्रवाई का भरोसा करके पहले करनी थी। इस मुद्दे को सॉल्व करेंगे, इसको भी हम बहुत सेंसिटिवली सॉल्व करेंगे। हमारे लिए छात्र हमारे साथी हैं, हमारे भाई हैं, हमारी ही बहनें जो एग्जाम दे रहे हैं। देश के रेल मंत्री को यह अपील सामने आकर इसलिए करनी पड़ रही क्योंकि बिहार के गया में रेलवे भर्ती में पारदर्शिता न होने का आरोप लगाकर गुस्साए छात्रों ने 3rd दिन भी उग्र होकर प्रदर्शन किया। बुधवार दोपहर गया की ये तस्वीरें उसी नाराजगी की आग की कहानी कहती है, जहाँ गुस्साए छात्रों ने भभुआ पटना इंटरसिटी एक्सप्रेस की बोगी में आग लगा दी। देश जब गणतंत्र दिवस मना रहा है, गया में छात्रों को काबू करने के लिए पुलिस को आंसू गैस का गोला छोड़कर उन्हें दौड़ाना पड़ता है। रेलवे ट्रैक पर फटा ये वही पोस्टर है जो हाथ में लेकर छात्र यहाँ अपने भविष्य की चिंता में प्रदर्शन करने आए। वो बेरोजगार युवा जिन्हें अपने भविष्य पर नौकरी के संकट में चोट पड़ती दिखी, उन्होंने पत्थर उठाए। जिस रेलवे की नौकरी को ईमानदारी से करने का सपना देखा, उसी की संपत्ति को चोट पहुंचाने के लिए मजबूर हुए। जितने भी स्टूडेंट्स हैं, कि उत्तेजित ना हो, हम लोग भी उन्हीं की मदद के लिए हैं, हम लोग मदद भी कर रहे हैं, परंतु अगर कानून को अपने हाथ में लेंगे तो अपने कानून की एक प्रक्रिया है, उसके तहत हम लोगों को भी कार्रवाई करने की बात होगा। रेलवे की वर्षों बाद निकली भर्ती में सालों बाद हुए एग्जाम के बाद धांधली का आरोप लगाते छात्र सीधे उत्तेजित नहीं होते हैं। जब जहानाबाद में छात्र रेलवे ट्रैक पर प्रदर्शन के लिए पहुंचे, पहले तिरंगे के सामने खड़े होकर सलामी दी, फिर छात्रों ने रेलवे ट्रैक को जाम करते हुए ही तिरंगे के सामने खड़े होकर राष्ट्रगान भी गाया। लेकिन जिन बेरोजगारों की समस्या का समाधान सीधे निकालना था, उनके शांतिपूर्ण प्रदर्शन के उत्तेजना में बदल जाने का कारण क्या रहा? क्योंकि बुधवार को ही नहीं बल्कि मंगलवार को भी बिहार में बेरोजगार युवा अपने हक के रोजगार पर छाए संकट के बादलों के बीच सीतामढ़ी में प्रदर्शन करने लगे। 7 घंटे तक जहां छात्रों के प्रदर्शन और पथराव के बीच रेल सेवा बाधित रही, जहां छात्रों को हटाने के लिए पुलिस को हवाई फायरिंग तक करनी पड़ती है। सरकारी नौकरी की चाहत रखने वाले जानते हैं कि अगर कोई गैर कानूनी काम में लिप्त हुए तो नौकरी मिलने से रही, फिर छात्रों के गुस्सा होने का कारण क्या सिर्फ रेलवे भर्ती में लग रहे अनियमितता के आरोप है, या फिर छात्रों के गुस्से का कारण ये रेलवे का फरमान भी बना जिसमें वार्निंग देते हुए कहा गया कि जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं उन्हें वीडियो के जरिए पहचान करके अभी और भविष्य में कभी भी रेलवे की नौकरी नहीं करने दिया जाएगा।
कुछ वीडियोस हम लोगों को मिल रहे हैं जिनकी जांच करवाई जा रही है और ऐसे वीडियोस में चिन्हित किए जा रहे हैं और यदि कोई रेलवे में नौकरी के इच्छुक व्यक्ति या कोई परीक्षार्थी उनको उनकी पहचान अगर होती है तो उन्हें भविष्य में रेलवे की नौकरी के लिए सदा के लिए प्रतिबंधित भी किया जा सकता है। जो समाधान का भरोसा देने छात्रों के प्रदर्शन के तीसरे दिन रेल मंत्री आए, जो छात्रों को भाई बहन अपना बच्चा और देश का भविष्य बताया, क्या ये काम पहले नहीं होना चाहिए था? न कि समाधान निकालने का भरोसा देने की जगह सीधे वार्निंग ही देने का काम शुरू कर देना था। सरकार ने रेलवे के जरिए नोटिस जारी करके प्रदर्शनकारियों को ही धमकी दे दिया। मेरा बस इतना कहना है कि प्रदर्शन के नाम पे अगर कोई हिंसा करता है तो आप बेशक उन पे कार्रवाई करिए, लेकिन पूरे प्रदर्शन को हिंसक बताकर सरकार के पास ये कोई अधिकार नहीं है कि बेरोजगार युवाओं के विरोध करने के लोकतांत्रिक अधिकार को छीन ले। नतीजा ये हुआ कि जो आंदोलन दूसरे दिन संभाला जा सकता था वो तीसरे दिन तक जारी रहा। ये तस्वीरें आरा स्टेशन की, जहाँ आरा सासाराम ट्रैक पर सासाराम आरा डाउन फास्ट पैसेंजर ट्रेन में पत्थरबाजी हुई, ट्रेन की लास्ट बोगी को आग के हवाले कर दिया, नाराज बेरोजगार छात्रों को कानून हाथ में लेने के लिए मजबूर किया और फिर सख्त कानून का सहारा लिया जाने लगा। पटना में राजेंद्र नगर टर्मिनल पर मंगलवार को भी छात्रों ने प्रदर्शन किया, पथराव किया, पुलिस ने बेरोजगारों को दौड़ाया, पानी की बौछार करके प्रदर्शनकारी युवाओं को पीछे धकेला। ये सब कुछ राजेंद्र नगर टर्मिनल पर पटना में लगातार दो दिन हुआ। दो दिन पहले यहाँ से कुछ ही दूरी पर जो राजेंद्र नगर टर्मिनल है पटना में, वहाँ करीब 10,000 छात्रों ने प्रदर्शन किया था। 10 घंटे तक ट्रेन रोकी थी, 6 गाड़ियों को रद्द करना पड़ा था और 30 से ज्यादा ट्रेनें लेट हो गई थी, जिससे यात्रियों को काफी परेशानी हुई। खासतौर पर जो लंबी दूरी की जो ट्रेन थी उनकी उनके यात्रियों को खाने पीने की दिक्कत हो गई, बच्चे भूख से रोने लगे, तो ये तमाम तरह की समस्याएं होगी। समस्याएं छात्रों की भी है। छात्रों का कहना है कि जिस तरह का रिजल्ट निकाला गया है उसमें पारदर्शिता नहीं है। ये हफ्ता ही छात्रों के प्रदर्शन के साथ शुरू हुआ, जब पटना में राजेंद्र नगर टर्मिनल पर सुबह से धरना देते छात्र शाम तक उग्र हुए। पुलिस ने सख्ती से हटाना शुरू किया, आंसू गैस के गोले छोड़े। रेलवे की परीक्षा में धांधली का आरोप लगाते हुए हजारों की संख्या में अभ्यर्थियों ने पटना में राजेंद्र नगर रेलवे स्टेशन को पूरी तरीके से, कह सकते हैं, यहां हाईजैक कर लिया है। संभव है आपके मन में सवाल होगा, आखिर देश की संपत्ति को ही जलाकर कोई मांग कैसे पूरी की जा सकती है? लेकिन इस सवाल के साथ फिर आगे आपको ये भी जानना जरूरी होगा कि एक नौकरी के लिए वर्षों तक किताब में दिमाग खपाने वाले युवाओं को उग्र उत्तेजित करने वाली नौबत आती क्यों है। पटना से रोहित सिंह, सुजीत कुमार झा के साथ आशुतोष मिश्रा, दिल्ली आज तक।